मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, जितने भी बीएड धारक हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा राहत वाली खबर आई है। तो क्या खबर है, क्या ये जो राहत मिला है बीएड धारकों को, क्या ये 3.5 करोड़ बीएड धारक के लिए है या कुछ बीएड धारक के लिए है? इनसे सभी बीएड धारक को बेनिफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। और क्या बीएड प्राइमरी में 1-5 में शामिल होंगे? और इसमें बहुत सारे मैटर पे मैं बात करने वाला हूँ, खासतौर पे बिहार वाले मैटर पे। बहुत सारे आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, बहुत सारे मीडिया के थ्रू आप लोग को बताया जा रहे होंगे कि बहाली आने वाला है 1 लाख के करीब में। वो सारा चीज को लेकर मैं क्लियर करने वाला हूँ। और खासतौर पर जो बहाली आने वाला है ये बीएड वालों के लिए जो है 6-8 में बड़ा वैकेंसी है। और दूसरा बात, तीसरा बात, जो रिजल्ट को लेकर मैटर चल रहे हैं, जो बीएड का रिजल्ट रोका गया है बिहार में कि बीएड वालों का भी रिजल्ट रोका जाएगा, अभी डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया जाएगा, तो क्या इसे कट ऑफ में इफेक्ट पड़ सकता है? वो सारा बात मैं आपको समझाऊंगा। ये बात आपको कोई भी नहीं समझाएगा, किसी के पास इतना दिमाग भी नहीं है कि ये बात आपको समझा सके। सभी लोग को लग रहा है कि बीएड वाला का रिजल्ट रुक जाएगा बिहार में, तो डीएलएड वाले का जो कट ऑफ है बहुत ही नीचे चले जाएंगे, 45-50 हो जाएंगे, 40-45 हो जाएंगे, और सारे डीएलएड वालों को मौका मिल जाएंगे, उनका सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोचना आप सभी का, और जितने भी टीचर बता रहे हैं उनका वहां तक दिमाग ही नहीं गया है। तो चलिए, क्या सच्चाई है पूरा बात मैं रखता हूं, और सरकार का क्या मंशा है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। क्या ये भर्ती प्रक्रिया जो हो रहा है, जो 7वां चरण जो आया है, क्या पूरा करने का तरीका चल रहा है, क्या पूरा हो पाएगा जितना भर्ती दिए गए 80,000, या क्या पूरा सीट फुल किया जाएगा प्राइमरी में जो 79,000 जो सीट है? तो चलिए, सारा चीज को लेकर मैं क्लियर करता हूं। पहला बात, आज का न्यूज अखबार में देख रहे होंगे, सारा चीज बात ध्यान से सुनिएगा। और क्यों, एक और इन्फॉर्मेशन आया है जो कि है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा ट्विटर पे ट्वीट किए गए हैं कि जितने भी बच्चे हैं 9th, 10th, 11th, 12th का, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 तारीख तक होगा। अगर 14 तारीख तक नहीं करते हैं तो उसके बाद कोई भी डेट नहीं निकलेगा। और मैं स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ट्विटर पर ट्वीट किए गए हैं। तो ये चीज को लेकर जितने भी 9th, 10th, 11th, 12th वाले स्टूडेंट हैं, 14 तारीख तक मेरा विनती है आप सभी से कि 14 तारीख तक सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा, फिर 14 तारीख के बाद कोई भी संभावना नहीं है। और इनके द्वारा सीधा बता दिया कि कोई भी डेट नहीं निकाला जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट जाकर अब जो अपना डीबी है वो करवा लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। और बीएड वालों के लिए कैसे, ये बहुत ही बड़ा राहत है, खुशखबरी है, ये चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्या ऐसा अपडेट आया है। और एक और मैटर है, छत्तीसगढ़ वाला मैटर, बीएड धारक सरकार का घेराव कर रहे हैं, वो सारा चीज को लेकर मैं बात रखूंगा, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे होंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेहनत लगता है सारे चीज डिटेल निकालने में, सारा चीज को एनालिसिस करने में और बताने में आप लोग के सामने। तो सारे लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बीएड वाले, मैं हमेशा से आप लोग के साथ रहा हूं और हमेशा साथ में रहूंगा, क्या अन्याय हुआ था आप लोग के साथ, और मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा अभी। तो चलिए, सारा बात मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। पहला जो मैटर है, जो अखबार में खबर आया है कि भाई अब जो है बिहार में 1 लाख के करीब में शिक्षक का बहाली आ रहा है, वो अक्टूबर में आएगा, नवंबर में उसका एग्जाम हो जाएगा और दिसंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। सारा बहुत तेजी से हो रहे हैं, वजह क्या है, इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो मैं नहीं जानता, पर हम लोग को तो भाई वैकेंसी से मतलब है, भर्ती से मतलब है, ठीक है आ रहे हैं। इसमें बात किए गए हैं कि 6-8 में जो बीएड वाले हैं वो लोग रहेंगे और 52,000 के करीब में 52,000 वैकेंसी आ रहे हैं। समझ सकते हो कितना बड़ा लेवल पर वैकेंसी आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ कि 6-8 में तो डीएलएड वाले भी रहेंगे भाई, अगला बार 1-5 का प्राइमरी का नहीं आ रहा, 1-5 का अगला बार नहीं आएंगे वैकेंसी जो अक्टूबर में आ रहे हैं, तो भाई जो प्रमोशन होकर जाते हैं चाहे, तो फिर डीएलएड वाले भी 6-8 में रहेंगे और बीएड वाले भी 6-8 में रहेंगे, तो क्या यहां पर इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब नहीं हो रहा है? प्राइमरी में अगर बीएड वाले रहते तो उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब होता, ब्रिज क्रॉस करवाना पड़ रहा था उनको, और फिर भी इनको हटाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ रहा है लगातार, ऐसे में बच्चे लोग जा भी रहे हैं, अभी तक कोई क्लियर नहीं है। अब मेरे वीडियो देखने के बाद सारे मीडिया वाले, सारे यूट्यूबर्स लोग आप बोल रहे हैं कि ऐसा क्लियर नहीं है, ऐसा स्पष्ट नहीं है, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तत्काल में इनका रिजल्ट रोका गया है और कल बोला जा रहा था कि आउट हो गए। तो यह है सच्चाई, आप लोग भी देखे होंगे, अब आप लोग को सारा चीज सच्चाई बताया जा रहा होगा, सारे लोग सुनकर बता रहे होंगे। तो ये चीजें हैं, अब 6-8 में शामिल होने जा रहे हैं, तो अब 6-8 में बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है और डीएड वाले भी रहेंगे, तो यहां पर तो कोई दिक्कत उनको नहीं होगा, पर प्राइमरी में इनको दिक्कत हो रहे थे। और वैकेंसी आने वाला है 9th से 12th तक, वो भी 50,000 के करीब में आने वाला है, मतलब टोटल मिलाकर 1 लाख के करीब वैकेंसी आ रहे हैं। तो ये चीजें अक्टूबर में आएंगे, ऐसा पेपर में दिया गया है, ऐसा अभी ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं किया गया, पेपर में दिया गया है। अब पेपर में कितना सच्चाई रहता है, क्या रहता है, पेपर में सच्ची छापे गए होंगे। और कल इसका मीटिंग भी था, और शिक्षा जो आयोग है, ये आयोग शिक्षा विभाग से
डिसीजन मांगा है कि क्या बीएड वाले को शामिल करना चाहिए, उस पर आप लेकर जल्द से जल्द हम लोग को मतलब ये जो है चीजें बताएं, स्पष्ट करें कि बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे प्राइमरी में 1-5 में। तो वो चीज को भी लेकर आयोग स्पष्ट मांगा है कि इस पर क्लियर करे, शिक्षा विभाग उस पर अपना डिसीजन दे। तो वो अभी तक डिसीजन नहीं आया है, तो वो भी आना बाकी है। उसके लिए भी मैं जैसे ही आएगा तो मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूंगा, इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और जहां तक बात है रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट और कट ऑफ का मैटर चल रहा था कि रिजल्ट जारी होंगे तो इससे कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ नीचे चले जाएंगे, और बहुत सारे टीचर बता रहे होंगे कट ऑफ, शायद इनको अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद नॉलेज का कमी होगा। रिजल्ट रोका जा रहा है, बाहर नहीं किया गया है, अगर बाहर किया जाता तब कट ऑफ नीचे गिरता। रिजल्ट रोकने का मतलब शायद आपको समझ में नहीं आता, कट ऑफ सेम ही आएंगे, बीएड को शामिल करके ही कट ऑफ आएंगे, और रिजल्ट भी बीएड को शामिल करते हुए ही आएंगे। इससे यह होगा कि जो कट ऑफ बीएड और डीएड को मिलाकर जो था वही कट ऑफ ही रहने वाला है, यह है हकीकत। कट ऑफ कम नहीं होंगे क्योंकि बीएड का जो रिजल्ट है वो रोका गया है, हटाया नहीं गया है, और वो हटेगा भी नहीं, ठीक है। तो समझे मैटर को, तो कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, जो कट ऑफ नीचे बता रहे हैं कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह चीज को लेकर आप लोग पहले तो ध्यान दें और दिमाग लगाएं। और रिजल्ट जहां तक बात है, इसमें तो बीएड वाले भी शामिल हैं, 79,000 जो वैकेंसी है 1-5 का, और इसमें डीएड वाले भी शामिल है। तो क्या लगता है भाई, इनके लिए अलग सीट भी रखेगा ना, बोले गए थे ना, और सबसे ज्यादा कौन आएंगे, सबसे ज्यादा बच्चा कौन है, बीएड वाले, सबसे ज्यादा कौन आएंगे, बीएड वाले ही सारे लोग आएंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग यही होते भी हैं, हकीकत है। डीएड वाला कितना सीट होगा, 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार ही उनका बहाली होने वाला होगा। तो 15-20 हज़ार डीएड वाले को नौकरी मिलेगा, पूरा 80,000 नहीं मिल जाएंगे, रोके गए हैं रिजल्ट को, बाद बाकी जो 60,000 जो बचेंगे 60-65 हज़ार सीट, वो ऐसा ही रहेगा। सरकार इतना सारा को नौकरी कैसे देगा भाई, तो देगा तो बीएड वाले को शामिल करना है, करे तो। अलग ही कंसेप्ट बताए जाते हैं जो कि कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, समझना पड़ता है कंसेप्ट को, इतना आसान नहीं होता है। सारे टीचर को कट ऑफ कम कर दे रहे हैं, अब बीएड वाले डीएड वाले को 60,000 सीट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है यार, ऐसे नहीं होते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, एक और मैटर है, और बहुत सारी चीजें को लेकर मैं बताया हुए हूं, जैसा कि मैं अखबार पूरा पढ़कर नहीं बता रहा हूं, जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और जहां तक बात है, एक अगला वीडियो जो आने वाला है ना, उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हुआ है, मैटर हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार घेराव का ही बात चल रहे हैं और किए भी गए हैं, और भी बहुत सारे। अगला जो वीडियो बनाने वाला हूं, एक डिटेल में बनाने वाला हूं, मैं भी एक ऐसे वैकेंसी पे वीडियो बना दिया जो सच्चा था, वो मैं सच्चाई आप लोगों के सामने रखा क्योंकि बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे। तो अगला जो चीजें है, वो अगला जो वीडियो आने वाला है, मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत सारे डिटेल में बात करूंगा, और जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर है उस सारे चीज को लेकर मैं बात करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, और बीएड वाले अगला वीडियो मैं खासतौर पर आप लोग के लिए ही बनाने वाला हूं, आप लोग क्योंकि बीएड वालों के लिए अब जल्द से जल्द काम करना है, और जो भी अध्यादेश का जो भी चीजें ऑर्डिनेंस का वो सारा चीज जल्द से जल्द लागू करवाना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट खासतौर पर बीएड वाले, सारे लोग प्लीज भारी मात्रा में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी शिक्षक विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, और खासतौर पर बीएड वालों के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, जैसे और भी कोई इंफॉर्मेशन और भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सारा अगला वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।